कल्चर, नर्चर, फ्यूचर, आवर विजन योर फ्यूचर, मिरेकल ऑफ अर्निंग इन एजुकेशन, कीप यू फर्स्ट, कीप यू अहेड, सर्विंग ह्यूमैनिटी, सर्विंग नेशन, लेट्स यूनाइट फॉर बिगेस्ट एजुकेशनल रेवोल्यूशन, अ विन विन अपॉर्चुनिटी, अ स्कूल फॉर ऑल, इनकम फॉर ऑल, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, सक्सेस फॉर ऑल, लाइफ टाइम अर्निंग, सीड टू सक्सेस, लाइफ इज शॉर्ट, लेट्स कनेक्ट, रीच आउट एंड मेक इट लार्ज. फॉर फ्रेंचाइजिंग इंक्वायरी प्लीज कॉन्टैक्ट मिस्टर राकेश चतुर्वेदी ऑन 9873860000. यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन अनदर नंबर 9354619250. नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह. बहुत बहुत स्वागत है आप सबका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में. आज इस प्रकार के कार्यक्रम का द्वितीय दिवस आप सबके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी. जो जानकारियां आज आपको मिलेंगी, आज का पंचांग राहु काल गुलिक काल, इसके साथ पूरे दिन का हाल मेष से लेकर के मीन तक, साथ ही साथ एग्जाम टिप दिनांक 26 मार्च का, ये सारी जानकारी आप सब तक हम पहुंचाने जा रहे हैं. बस एक दो दिन और इस प्रकार से आप लोगों को राशिफल के साथ काम चलाना होगा, इसके बाद आपका हमारा प्यार उसी तरह से चलेगा. आइए जानते हैं आज का पंचांग. सप्ताह का नया दिन आरंभ हो रहा है, नया सप्ताह आरंभ हो रहा है आज से. चैत्र माह कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है, दिन सोमवार. चंद्रमा वृश्चिक राशि में, नक्षत्र सुबह 7:02 तक विशाखा, इसके बाद अनुराधा. विशाखा नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है, तो आज के पूरे दिन का हाल बृहस्पति के हवाले से रहेगा. सोमवार के दिन, अच्छा योग जान लीजिएगा, वज्र है. और सोमवार के दिन राहु काल सुबह 7:30 से 9 तक, और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 1:30 से 3 तक. गुलिक काल में नए और शुभ काम का आरंभ नहीं किया जाता. राहु काल में आप कोई भी नया और शुभ काम शुरुआत न करें, गुलिक काल में जो चाहे आप कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा. चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की. ये सारी जानकारियां बताएंगे आप हमसे गाजियाबाद में, तो खैर मिलने ही आ रहे हैं आप लोग. साथ ही साथ 29, 30, 31 अभी रायपुर का शेड्यूल ज्यों का त्यों है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ अगर आप मिलना चाहते हैं तो मुलाकात हो जाएगी. रही बात बनारस की, तो बनारस बहुत जल्द नई डेट नई तारीखें आप लोग के सामने हम प्रस्तुत करेंगे. फिलहाल तो अभी अगले सप्ताह की ही उम्मीद करिएगा. अमृतसर वाले भी अपॉइंटमेंट अपना चालू रखें, जो नंबर्स आपके सामने फ्लैश होते हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं. टेलीफोनिक कंसल्टेंसी वाले बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे होंगे, क्योंकि होली के बाद से 3 से लगातार मैं नहीं हूं दिल्ली में, तो अभी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी भी फिलहाल बंद चल रहा है. विपत्ति की इस घड़ी में आप लोग का साथ सराहनीय है, आप लोग का प्यार मेरे सर आंखों पर. चलिए बिना विलंब के अब शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और बताते हैं मेष से लेकर के मीन तक वालों के लिए सब कुछ कैसा होने जा रहा है. मेष राशि वालों के शिक्षा में कुछ रुकावट आ सकती है आज. शिक्षा में आज मन नहीं लगेगा, परीक्षा भी कुछ बहुत मनोनुकूल नहीं है, जिसके कारण थोड़ा बहुत कष्ट आपको प्राप्त हो सकता है. व्यापार की स्थिति आज बहुत अच्छी रहेगी. आज चंद्रमा आपके बिजनेस में 4 लगा देगा. बृहस्पति की कृपा भी आपको मिल रही है, स्वास्थ्य में आपके विशेष सुधार होगा. प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी सी स्थिति डावाडोल है. नौकरी में उठापटक हो सकती है, नौकरी में बीच में दिक्कतें आ सकती हैं, बॉस के साथ कुछ मनमुटाव की स्थिति भी बन रही है.
बिजनेस में आज बड़े रिस्क आपको टालने की आवश्यकता है। मीन राशि का सूर्य थोड़ा सा प्रभावित करेगा। मेष राशि वालों के लिए प्राइवेट सेक्टर में नई नौकरी के लिए प्रयास आज सफल हो सकता है। बॉस प्रसन्न रहेंगे। आज इंक्रीमेंट आपका बढ़ सकता है। सरकारी क्षेत्र अद्भुत समय रहेगा। प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। रुकी धन की प्राप्ति होगी। परिवार में कुछ अस्थायी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन मेष राशि दिनांक 25 मार्च। दाम्पत्य जीवन में आज पत्नी कुछ मामलों को लेकर के आपसे रूठ सकती है, जो आपको अकस्मात मानसिक कष्ट दे सकता है। दिनांक 25 मार्च लव लाइफ उठापटक तो होगा, लेकिन चीजों को आप सामान्य कर सकते हैं। लव लाइफ में आज डेट पर जाने की योजना कैंसिल कर दीजिएगा, बेहतर रहेगा। 25 मार्च मेष राशि स्वास्थ्य, पेट की दिक्कत और घुटने की तकलीफ आज परेशान करेगी। आज क्या विशेष उपाय करना चाहिए आपको? आज भगवान शिव की शरण में रहिएगा। क्या नहीं करना है? आज रुपए पैसे से थोड़ा सा ओवर स्मार्ट मत बनिएगा। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 63। वृषभ राशि वालों के लिए आज मंगल आपकी राशि में आया है, थोड़ा सा परेशान करेगा, थोड़ा सा चिंतित करेगा। मानसिक रूप से थोड़ा सा पीड़ित रहेंगे आप, जिसकी वजह से शिक्षा प्रभावित हो रही है। बिजनेस के मामलों में वृषभ राशि वालों के लिए कोई स्थिति आज खराब नहीं है। आज निर्णय आपके सार्थक रहेंगे और साझा अर्थात पार्टनरशिप आज सामान्य हो जाएगी। दिनांक 25 मार्च प्राइवेट सेक्टर वृषभ राशि। प्राइवेट सेक्टर वालों को नई नौकरी आज मुबारक हो, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। अपॉइंटमेंट आज लेटर मिल जाएगा। पैकेज एकदम से आपका बढ़ेगा। बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। सरकारी क्षेत्र वृषभ राशि, स्थिति थोड़ी सी असामान्य है। सावधान रहें, जितना हो सके अपने आप को सावधान रखने की आवश्यकता है। वृषभ राशि सरकारी क्षेत्र में आज धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, सुदृढ़ रहेगी। माता पिता के साथ तालमेल अच्छा बैठेगा। परिवार के संग कोई बड़े निर्णय आज ले सकते हैं। दाम्पत्य जीवन वृषभ राशि 25 मार्च स्थिति सामान्य है। दाम्पत्य जीवन में कहीं भी किसी तरह की दिक्कत नहीं रहेगी। आज पति पत्नी कहीं घूमने टहलने का कार्यक्रम भी बनाएंगे। पुराने गिले शिकवे आज दूर हो जाएंगे। लव लाइफ वृषभ राशि 25 मार्च, यहां मामला थोड़ा सा उठापटक वाला रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज लव लाइफ में रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। शादी की चर्चा कदापि ना करिएगा, चीजें आज फंस सकती हैं। वृषभ राशि स्वास्थ्य में आज सर में दर्द, भारीपन, दवाओं पे कुछ खर्च बढ़ेगा। क्या उपाय करना चाहिए आपको? आज गुड़ का टीका मस्तक पर लगाएं। क्या नहीं करना है? आज राज की बात शेयर ना करें। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 60। मिथुन राशि, राहु आपकी राशि में आ चुके हैं। अब दिमाग थोड़ा सा उल्टा होगा। गलत डिसीजंस शिक्षा पर आज कुठाराघात करेगा। परीक्षा में आज सफलता के कुछ संयोग कम दिख रहे हैं। मिथुन राशि, बिजनेस में भी थोड़े से घाटे के साथ चीजें सामान्य करने की कोशिश करेंगे। मित्र आज धोखा दे सकता है। मिथुन राशि प्राइवेट सेक्टर, स्थिति अच्छी है, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, भागिएगा मत, चीजों को सामान्य कर सकते हैं आप। मिथुन राशि सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए बॉस के साथ नोकझोंक बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र में कहीं आज यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। मिथुन राशि दाम्पत्य जीवन, एक दूसरे पर अचानक से शक करना शुरू करेंगे, जो चीजों को बिखरने के लिए मजबूर कर देगा। लव लाइफ, स्थिति ठीक है। दोपहर 4 बजे के बाद ब्रेकअप की संभावनाएं बन सकती हैं। ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ठीक नहीं है। स्वास्थ्य, आंख और दाहिने हाथ में आज चोट चपेट की संभावना है। क्या विशेष करना चाहिए उपाय के तौर पर? गौ माता को हरा चारा दीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज दोपहिया वाहन से लंबी यात्रा नहीं करनी है।
शुभ रंग ब्राउन, भाग्य प्रतिशत 50। कर्क राशि, शिक्षा के क्षेत्र में आज अच्छी उन्नति के संकेत हैं। चीजें मैनेज कर ले जाएंगे, संस्थान बदल सकते हैं, टीचर्स आज आपसे प्रसन्न रहेंगे। व्यापार की स्थिति बिल्कुल ठीक है, लेकिन अचानक से खर्च बढ़ेगा, निवेश कहीं करने का मन कर सकता है। कुछ कर्क वालों को आज धोखे की भी संभावना बन सकती है। प्राइवेट सेक्टर, चीजें बिखर सकती हैं। नई नौकरी की तलाश में वर्तमान नौकरी से हाथ धो सकते हैं। कोई लोग आज आपके विरुद्ध षड्यंत्र करके आपको परेशान करेंगे। कर्क राशि, सरकारी क्षेत्र, मेहनत बहुत करना पड़ेगा। बॉस आज कुछ रूठेंगे, लेकिन महिला बॉस है तो प्रसन्न रहेगी, मान जाएगी। कर्क राशि, लव लाइफ और मैरिड लाइफ वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए अष्टम में शुक्र और बुध की उपस्थिति है कुंभ राशि में, लिहाजा पति पत्नी के बीच का तालमेल आज बैठ ही जाएगा, चीजें बहुत अच्छी रहेंगी, पैचअप की संभावनाएं बन रही हैं। कर्क राशि, लव लाइफ, आज अंतरंगता बढ़ सकती है, एक दूसरे के साथ कहीं डेट पर जा सकते हैं, शादी की चर्चा फाइनल हो सकती है। स्वास्थ्य, घुटने की तकलीफ, हड्डियों से संबंधित तकलीफ परेशान करेगी। उपाय, शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें। क्या नहीं करना है आज? आज के दिन किसी छोटे बच्चे को प्रताड़ित मत करिएगा। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 68। सिंह राशि, शिक्षा बहुत अच्छी चलेगी, महिला मित्र का साथ मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए महिला मित्रों की मदद से शिक्षा में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। सिंह राशि, व्यापार, नए फैसले, बड़े फैसले आपके पक्ष में हैं। जितना खुद को प्रसन्न रख सकते हैं प्रसन्न रखें आप। बिजनेस में अच्छा समय चल रहा है। फीमेल पार्टनर होगी तो स्थिति कुछ और अच्छी हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर, विदेश जाने के अवसर मिलेंगे, खर्च की अधिकता परेशान करेगी, बेटी पर आज गर्व हो सकता है। कर्क राशि, माफ कीजिएगा, सिंह राशि, सरकारी क्षेत्र, उलझने समाप्त होंगी, प्रसन्नता आज मिलनी ही मिलनी है, पुरानी किसी समस्या से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर में बॉस आज आपसे प्रसन्न रहेगा। सरकारी क्षेत्र में भी स्थिति बहुत अच्छी है, आज आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, कहीं निवेश किए होंगे तो उसका लाभ भी दिख रहा है। सिंह राशि, दाम्पत्य जीवन, आहा, मामला गड़बड़ है, पत्नी आज किसी बात पर नाराज होकर के घर छोड़ के जा सकती है। हो सकता है आज दोनों की स्थितियां थोड़ी सी डावाडोल रहे, कहीं घूमने टहलने का भी कार्यक्रम बना सकते हैं। कहते हैं योगा किया जाए तो चीजें और भी अच्छी हो सकती है, थोड़ा हंस लीजिएगा, भले ही नहीं देख पा रहे हैं तो क्या हुआ। लव लाइफ, आज सिंह राशि वालों की लव लाइफ में स्थिति डावाडोल है, चंद्रमा यद्यपि बृहस्पति के साथ है लेकिन फिर भी थोड़ी सी मामला आज गड़बड़ दिखाई देता है। सिंह राशि, स्वास्थ्य, पेट से आज बहुत परेशान रहेंगे, क्या करें क्या ना करें ये स्थिति उलझाएगी, खान पान पर ध्यान दीजिएगा। क्या उपाय करना चाहिए आज आपको? आज किसी मजदूर को मकान बनाने वाले हरी सब्जी का दान कर दीजिए। क्या नहीं करना है आज? अपना वाहन उधार मत दीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 66। कन्या राशि, आहा, स्थिति बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, शिक्षा में मन लगेगा, मित्रों का साथ रहेगा। सरकारी क्षेत्र में भी बताएंगे, पहले व्यापार जान लीजिए। कन्या राशि वालों के व्यापार में आज कुछ क्रोध में लिए गए फैसले उल्टे साबित हो सकते हैं, सातवें में आपके सूर्य की उपस्थिति है तो बड़े निर्णय गुस्से और तैश और आवेश में मत लीजिएगा। कन्या राशि, प्राइवेट सेक्टर, स्थिति बहुत अच्छी है, बड़े फैसलों का आज लाभ मिलेगा, दोस्तों की वजह से नई नौकरी में उन्नति है, बॉस आज आपसे प्रसन्न रहेंगे। सरकारी क्षेत्र, हाँ, मामला बहुत बेहतरीन है, आज सूर्य की आपकी राशि पर उपस्थिति दृष्टि वाली बहुत अच्छी रहेगी, आज सरकारी क्षेत्र में बॉस आपसे बहुत खुश रहेंगे, चीजों को मैनेज करना कोई आपसे सीखे। कन्या राशि, दाम्पत्य जीवन, यहां मामला बड़ा उल्टा सीधा दिखाई देता है, कुछ निर्णय गड़बड़ हुए हैं, पत्नी एकदम से नाराज हो सकती है,
चीजें उल्टी सी दिखाई देंगी। प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति है अगर आप लव लाइफ में हैं। आपकी नौकरी की वजह से आज आपकी लव लाइफ जिंदा रहेगी। शादी की चर्चा कर सकते हैं, डेट लेकिन कैंसिल कर दीजिएगा। स्वास्थ्य, आंखों की तकलीफ बहुत परेशान कर सकती है। प्रसन्न रहेंगे, स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से उन्नति आपके कदम चूमेगी। कन्या राशि 25 मार्च उपाय क्या करना है, चीनी का दान करिएगा। क्या नहीं करना है, आज सीक्रेट्स शेयर नहीं करने हैं। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत आज 70। तुला राशि, आज वाक्पटुता से आपके टीचर्स का मन मोह लेंगे आप। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रसन्नता आज आपको रहेगी। आज एग्जाम अच्छे से देंगे। व्यापार, व्यापारिक निर्णय आज घाटे के होंगे। हो सकता है बिजनेस में कुछ विशेष आपको हानि दिखाई दे। जितना अपने आप को मैनेज करके चलेंगे बिजनेस में उतना ही ठीक रहेगा। निवेश का लाभ लेट मिलेगा, धैर्य रखिएगा। प्राइवेट सेक्टर, नई नौकरी की संभावनाएं बहुत प्रबल है। दोपहर 2 बजे के बाद प्रयास सफल होगा। जो कुछ लाभ होना था आज ही हो जाएगा, चिंता कदापि न करें। तुला राशि वालों के लिए एक और मामला आज प्राइवेट सेक्टर में बम रहेगा। पश्चिम दिशा से आपको फायदा होने जा रहा है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति आज डावाडोल रहेगी। बॉस आज नाराज होंगे, कुछ कामों में लापरवाही आप कर सकते हैं, आपकी विरुद्ध षड्यंत्र हो सकता है। दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर रहेगा। आज आपकी वाणी में घुली हुई मिश्री किसी का भी मन मोह लेगी। अपने आप को ऐसे ही रखिएगा। आज पत्नी के साथ घूमने टहलने का कार्यक्रम बन सकता है। लव लाइफ की स्थिति डावाडोल रहेगी। ओवर स्मार्टनेस आपको आज मुसीबत में डाल सकता है। आज प्रेमिका अकस्मात रूठेगी। शाम 5 बजे के बाद कहीं घूमने टहलने का कार्यक्रम जरूर बनाइएगा। समय देना हर रिश्ते की अनिवार्यता है। स्वास्थ्य में आज थोड़ा सा हड्डियों की दिक्कत परेशान करेगी और गुप्त रोग भी कुछ अचानक से उजागर हो सकते हैं। उपाय क्या करना चाहिए तुला राशि वालों को, आज हल्दी का दान कर दीजिएगा। क्या नहीं करना है, आज पिता से अभद्र व्यवहार नहीं करना है। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 65। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आज विशाखा अनुराधा दोनों नक्षत्रों में संचरण करेगी। वृश्चिक राशि में पड़ने वाले ये नक्षत्र अपने आप में ऐतिहासिक है। बृहस्पति की महादशा में सूर्योदय हुआ है, लिहाजा बृहस्पति चंद्रमा की युति का आज बहुत लाभ मिलेगा। वृश्चिक वालों के आज सारे काम बन जाएंगे, जैसे कोई देवदूत आपकी मदद के लिए आगे आएगा। उम्मीद करते हैं कि मैं जिन समस्याओं में घिरा हूं, मेरी भी राशि वृश्चिक है, आप लोगों की दुआएं मिली इतनी ज्यादा कल कि आज कुछ सकारात्मक हो ही जाना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में आज सावधान रहने की आवश्यकता है। शिक्षा के साथ व्यापार में आज बहुत उन्नति मिलेगी, रुके काम आपके बन जाएंगे, प्रसिद्धि के संकेत हैं। प्राइवेट सेक्टर वृश्चिक राशि वालों की आज नई नौकरी की संभावनाएं हैं। महिला मित्र का साथ मिलेगा और किसी महिला के साथ कहीं घूमने टहलने का कार्यक्रम प्राइवेट सेक्टर में बन सकता है। हो सकता है कि बाहर कहीं आज ट्रांसफर के लिए भी आपको भेजा जाए। सरकारी क्षेत्र स्थिति सामान्य है, पुरानी चिंताएं आज दूर हो जाएंगी। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आज परिवार में मांगलिक कार्य हो सकता है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। आज पति पत्नी के बीच तालमेल एकदम से बैठेगा। मस्ती के साथ कदम बढ़ाएंगे आप। आज जितनी खुशी हो सकती है उतनी खुशी आपको मिलेगी। लव लाइफ, आज मुलाकात होगी उनसे, बहुत दिन हो गया आप दोनों को मिले हुए, आज प्लान कर सकते हैं। व्हाइट कलर डालेंगे खिल जाएगा, खुश रहिएगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य पेट से परेशान हो सकते हैं, बाकी दिन मनोरंजन में बीतेगा। क्या विशेष उपाय करना चाहिए, दुर्गा का ध्यान करें, मां दुर्गा का। क्या नहीं करना है, आज इधर उधर मत करिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 77। धनुराशि, शनि और केतु उपस्थित हो गए हैं। मैंने बताया राहु का परिवर्तन हो चुका है।
धनराशि वालों की शिक्षा में आज मानसिक उतार चढ़ाव के कारण कमी आएगी। परीक्षा में भी आज जो पढ़ के जाएंगे वो फंसेगा नहीं, जिससे आप परेशान हो सकते हैं, उलझ सकते हैं। व्यापार, आपके निर्णय अचानक उलट पलट हो सकते हैं। जितना हो सके बिजनेस में अपने आप को संयम रखिएगा, बड़े निवेश से बचने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, प्राइवेट सेक्टर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी राशि धनु है तो बॉस प्रसन्न होगा और जो पुरानी दिक्कतें थी आपको लेकर के वो भी दूर हो जाएंगी। धनु राशि, सरकारी क्षेत्र, यहां पर मामला सुलझा लेंगे आप। सरकारी महकमे से जितना भी आपका लेन देन रहा होगा वो सब ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप सरकारी क्षेत्र में जॉब करते हैं तो आज बच्चों को लेकर के कोई गुड न्यूज आपको मिल जाएगा। पति पत्नी आज मधुर संबंधों में गुथे रहेंगे। मैरिड लाइफ, अगर अभी न्यूली मैरिड कपल हैं आप तो आज कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। मन मुटाव, शक, एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग उलझाएगी। लव लाइफ, लव लाइफ धनुराशि वालों की आज 25 मार्च को बहुत अच्छी है, डेट पर जा सकते हैं, आज गिफ्ट का एक्सचेंज भी होगा। स्वास्थ्य, धनुराशि 25 मार्च, हेल्थ के मामले में पेट और लीवर आज परेशान करेगा। क्या उपाय करना चाहिए आज? उड़द की खिचड़ी का दान या साबुत उड़द का दान किसी जरूरतमंद को करें। क्या नहीं करना है आज? आज किसी से झूठ नहीं बोलना है। शुभ रंग काला, भाग्य प्रतिशत 62। मकर राशि, स्वास्थ्य के मामले में मकर राशि वालों को आज बेहद शुभ संकेत मिलेगा, जिससे शिक्षा में चला आ रहा प्रयास सफल हो जाएगा। आज मकर राशि वाले पढ़ने के लिए कहीं बाहर भी जा सकते हैं, ये स्थिति भी आपके लिए बहुत रमणीक लगेगी। मकर राशि, व्यापार, व्यापार में आज द्वितीयस्थ बुध और शुक्र होने के कारण एकदम से सफलता मिलेगी। बिजनेस में आज बहुत अच्छी उन्नति करेंगे आप, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस। प्राइवेट सेक्टर, नौकरी के लिए प्रयास उग जाइएगा। ज्यादा बड़बोलापन और चंचलता आज कार्य क्षेत्र में आपको हंसी का पात्र बना सकता है। आज कोई फैसले आपके उलट सकते हैं। सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, यहां पर मामला ठीक ठाक है, बॉस भी प्रसन्न रहेगा, वर्कलोड भी आप संभाल लेंगे और चीजों को मैनेज करके चलना कोई आपसे सीखे। मकर राशि, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, प्रभावित होंगी पत्नी, आज पति भी आपसे प्रभावित रहेगा। कुछ इतना अच्छा करेंगे आप जिसका लाभ आपको तत्क्षण मिलेगा दाम्पत्य जीवन में। प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए आज दाम्पत्य जीवन को संभालने का बड़ा प्यारा सा अवसर प्राप्त हो रहा है। लव लाइफ, आहा, मामला यहाँ पर बम बम है। आज मकर राशि वाले बहुत अच्छी सी डेट पर जाएंगे और जितने पुराने मामले अभी आपके आज फंसे थे उसको आज आप लोग खुशी खुशी जीत सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। हेल्थ, दिनांक 25 मार्च मकर राशि, क्या रहेगा स्वास्थ्य का हाल? सर्दी जुखाम खांसी परेशान करेगा, उपाय क्या करना चाहिए? आज किसी जरूरतमंद को एक सफेद रुमाल दे दीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज के दिन पूर्व दिशा की यात्रा अवॉइड करिएगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 70। कुंभ राशि, चंद्रमा दशम में है, लिहाजा आज पढ़ाई को एक काम की तरह लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। आज कुंभ राशि वालों के लिए शिक्षा में उन्नति के संकेत हैं, टीचर भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। बिजनेस, आज रुके धन की प्राप्ति होगी, बिजनेस में बड़ा निवेश कर सकते हैं, कहीं जमीन आदि लैंड वगैरह के भी मामले सुलझ जाएंगे। कुंभ राशि 25 मार्च, प्राइवेट सेक्टर, नई नौकरी की संभावनाएं, रुके हुए सारे काम आपके बन जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर, बॉस भी प्रसन्न रहेगा, महिला बॉस आपसे एकदम से प्रसन्न रहेगी क्योंकि शुक्र बुध आपकी राशि में बैठे हुए हैं, चीजें एकदम मैनेज हो रही हैं और प्रसन्नता के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। कुंभ राशि, धन के मामले में भी आज आप अपने आप को मजबूत पाएंगे, हर प्रकार की चिंताओं से बाहर निकल आएंगे। सरकारी क्षेत्र में स्थिति सामान्य है, बॉस भी खुश है, मेहनत का लाभ आपको तत्क्षण मिल रहा है।
कहीं से भी अगर पुरानी कोई रंजिश रही होगी तो उसका भी आज आपको फायदा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र और अब दाम्पत्य जीवन। कुंभ राशि वालों के दाम्पत्य जीवन की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है, उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आज पत्नी जो कहे उसको आप मान लेंगे तो आपके लिए खुशी का वातावरण बन जाएगा। कुंभ राशि, लव लाइफ चंचलता घातक रहेगी, बड़े फैसले टाल दीजिएगा, बेहतर यही होगा। डेट पर ना जाएं, चीजें उल्टी सीधी हो रही हैं। स्वास्थ्य, आंख की दिक्कत और पेट, इन दो जगहों से संभालिएगा, बाकी तो मैनेज हो ही जाएगा। उपाय क्या करना चाहिए, आज हरी सब्जी का दान करना है, क्या नहीं करना चाहिए, आज किसी के साथ बुरा व्यवहार कदापि न करिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 58। अंतिम राशि मीन, स्वास्थ्य की शुभता से आज पढ़ाई में बम स्थिति हो जाएगी, जंप करेंगे लाभ मिलेगा, परीक्षा में सफलता मिल जाएगी, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। व्यापार मीन राशि, व्यापार में आज मामला कुछ उल्टा सीधा लग रहा है, जिसको आप संभाल सकते हैं तो संभाल लें, चीजें आपकी आपके अनुसार होने लग जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर, नई नौकरी की संभावनाएं अभी फिलहाल टालिएगा, हो सकता है कि जो आप कर रहे हैं इससे भी हाथ धो लें, जितना खुद को शांत रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। सरकारी क्षेत्र, संभावनाएं प्रबल तो हैं, सूर्य आपके राशि में जल रहा है, इसका लाभ मिलेगा, बॉस प्रसन्न रहेगा, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, अवार्डेड हो सकते हैं, आज अवार्ड मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन, चीजें थोड़ी सी बिगड़ेंगी, बहुत ज्यादा हवा में ना रहें, चीजों को मैनेज करने की कोशिश करें, शांत रहें, वाणी पर संयम रखें, सब ठीक हो जाएगा। लव लाइफ, भैया आप इतना गुस्सा करेंगे तो कौन सी लड़की टिकेगी आपके साथ। कोशिश करें कि क्रोध पर अपने अंकुश रखें, वाणी पर संयम रखें, इससे लव लाइफ भी आज ठीक ठाक रहे स्थिति में। क्या आपको विशेष उपाय करना चाहिए बताएंगे हम, लेकिन पहले स्वास्थ्य जान लीजिए। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा उठा पटक तो है, लेकिन जितना शांति के साथ भोजन पानी पर ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या आपको विशेष करना चाहिए उपाय के तौर पर, आज किसी बच्चे को दूध का दान करते, क्या नहीं करना चाहिए, आज के दिन दक्षिण दिशा से यात्रा न करिएगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 57। चलिए ये तो रहा राशियों का हाल, अब हम आपको बता देते हैं कि आपके लिए क्या करना चाहिए, चलिए सुनते हैं। सक्सेस की, आज दिनांक 25 मार्च की सक्सेस की, भैया इसे करके जाइएगा, बहुत पॉजिटिव होगा, जल्दी से जान लेते हैं। आज के दिन अपने उल्टे पांव की मिडिल फिंगर में, लेफ्ट लेग की मिडिल फिंगर में एक दूरवा बांध के मोजा पहने निकल जाएं, शाम को इसे निकाल कर फेंक दीजिएगा। जल्दी से चलिए आज का भाग्याक्षर। मेष, वाक्षर वृषभ, मां मिथुन, राक्षर कर्क, हा सिंह, दाक्षर कन्या, च तुला, भाक्षर वृश्चिक, ज धनु, धाक्षर मकर, ख कुंभ, साक्षर मीन, या। इन शुभ भाग्याक्षर को सादे चौकोर कागज पर लाल रंग की इंक से लिखना है और 24 घंटे के लिए अपने पास रख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। अब जल्दी से जानते हैं दिनांक 26 मार्च का एग्जाम टिप, इसको जितना हो सके बच्चों के साथ शेयर करिएगा, सभी बच्चों को, सभी मेरे दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक। जल्दी से जानते हैं कल की, दिनांक 26 मार्च दिन मंगलवार की एग्जाम टिप। एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा, बहुत छोटा सा, 3 बार अपने सर से उल्टा वारिए, फेंक दीजिए और चले जाइए। इसमें मंगल का वास होता है, उल्टा वारने से शनि और राहु की निगेटिविटी को मंगल दूर कर देगा, बच्चे बहुत पॉजिटिविटी के साथ एग्जाम के लिए निकल जाएंगे। मित्रों 29, 30, 31 रायपुर, 4, 5 अमृतसर, ये हमारे आगामी लेटेस्ट शेड्यूल है। बनारस वालों को फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग पेशेंस रखिएगा, बहुत जल्द आपके पास कॉल जाएगी और आप लोग को सही जानकारी सही डेट के साथ दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच मोहब्बत बनाए रखने के लिए। और हाँ,
आज के लिए शुभकामना देना हमें ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल्चर, नर्चर, फ्यूचर, आवर विजन योर फ्यूचर, मिरेकल ऑफ अर्निंग इन एजुकेशन, कीप यू फर्स्ट, कीप यू अहेड, सर्विंग ह्यूमैनिटी, सर्विंग नेशन, लेट्स यूनाइट फॉर बिगेस्ट एजुकेशनल रेवोल्यूशन, अ विन विन अपॉर्चुनिटी, अ स्कूल फॉर ऑल, इनकम फॉर ऑल, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, सक्सेस फॉर ऑल, life time earning seed to success, life is short, let's connect, reach out and make it large. For franchising inquiry please contact Mr. Rakesh Chaturvedi on 9873860000. You can also contact on another number 9354619250.